हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज मैं आपको बताऊंगी फीटल प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कौन सा है? वो है ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो आप देख रहे हैं इसमें कौन सा पोर्शन नीचे आ रहा है? बटेक्स आ रहा है। तो अगर बटेक्स नीचे की ओर आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है? व्हेन द बटेक्स और द पोडालिक पोर्शन, पोडालिक मींस द बटेक्स इज कमिंग इन द लोअर पोल ऑफ यूट्रस। सो दिस इज द बटेक्स व्हिच इज कमिंग इन द लोअर पोल। सो इन दिस आल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन अंडर द ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट वन इज कंप्लीट फ्लेक्शन। सो यू कैन सी हियर व्हेन द फीटस इज कंप्लीटली फ्लेक्स्ड, द हैंड्स आर फ्लेक्स्ड, लेग्स आर फ्लेक्स्ड, देन दिस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज complete breech. Okay, then if the foot is coming down, okay, so if the foot is coming down like this, then it is called as footling presentation. क्या बोलते हैं? footling. अगर foot आ रहा है तो footling presentation. If the thighs are extended and knees are flexed, then अगर knee आ रहा है नीचे की ओर तो इसको हम बोलते हैं kneeling presentation, क्योंकि knee आ रहा है तो kneeling presentation. Okay, then another breech, types of breech presentation is when the knees are extended. Okay, so knees कैसे extend है? thighs flexed है, knees extended है, तो यहां पर पैर जो है ऊपर की ओर आ रहा है और जब हम examination करेंगे तो anus feel होगा, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फ्रैंक प्रेजेंटेशन, फ्रैंक ब्रीच। इसको बोलते हैं फ्रैंक ब्रीच। जब लेग जो है, लेग आप देख रहे हैं कैसे है, ऐसे ऊपर की ओर है, नी से एक्सटेंडेड है, थाई से फ्लेक्स्ड है और लेग जो है ऊपर की ओर है, इसको हम बोलते हैं फ्रैंक प्रेजेंटेशन। ओके, सो ब्रीच में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है कंप्लीट फ्लेक्शन। Okay, so this is complete flexion where everything is flexed and the fetus is lying like this. Then it is called as complete flexion. Then if the foot is coming down, then it is called as footling presentation. If the knee is coming down, then it is called as kneeling presentation. If the legs are extended, then it is called as frank presentation, frank breech. Okay. अब जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है इसमें क्या होता है? अगर फीटस ट्रांसवर्स लाई में है, ये ट्रांसवर्स लाई है, ठीक है, अगर फीटस ट्रांसवर्स लाई में है तो उसका शोल्डर आएगा नीचे की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे शोल्डर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स लाई में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। नॉर्मल डिलीवरी तभी पॉसिबल होगी जब इसका कैफेलिक प्रेजेंटेशन आएगा या ब्रीच प्रेजेंटेशन आएगा। ब्रीच भी मैल प्रेजेंटेशन में आता है। सो नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो होता है फीटस का वो है कैफेलिक, और कैफेलिक में भी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज द नॉर्मल प्रेजेंटेशन। अदर देन दैट जो भी प्रेजेंटेशन है, ब्रीच है, शोल्डर प्रेजेंटेशन है, फेस है, ब्रो है, तो ये सारे प्रेजेंटेशन जो होते हैं इसको हम मैल प्रेजेंटेशन कहते हैं। सो दिस इज दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। So we have seen what is presentation, what are the different types of presentation. We have also seen under the types of presentation, the sub types of presentation, cephalic ke andar hota hai, face presentation, bro presentation, vortex presentation, breech presentation ke andar hota hai, complete breech, frank breech, kneeling breech and footling breech, and then the shoulder presentation. So this was all for today's video. Hope you have understood. We will see in the next video. Thank you.